हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी सहेली चैनल। तो आज मैं आपके लिए आम पापड़ की रेसिपी लेके आई हूँ, वो भी एकदम इजी तरीके से। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको आम के पापड़ बनाने की तरीका बताऊँगी। तो ये पके हुए आम है, तो आज मैं मीठा पापड़ आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए देख लेती हूँ कि कैसे बनाना है इसे। तो सबसे पहले आम को अच्छे से धो के और इसका छिलका हटा लेना है और इसका गूदा भी अलग कर लेना है। तो काफ़ी अच्छा से पका हुआ आम है। ऐसे आम का आम पापड़ बहुत ज़्यादा मीठा बनता है और इसमें ज़्यादा पल्प भी होता है। तो इस तरह से इसे सारे को छिलका हटाने के बाद मैं इसका पल्प को अलग कर लूँगी और इसका छिलका और इसके गुठली को अलग कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल प्रेस ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो इस तरह से मैं सारे आम को अलग कर लूँगी, आम से गूदे को और छिलका को और गुठली को अलग करके हटा दूँगी। ये बहुत ज़्यादा पका हुआ तो इसे हाथ से ही इस तरह से करने से इसका पल्प अलग हो जाएगा। तो मैं सारे को निकाल ली हूँ। अब इसे थोड़ा थोड़ा सा करके मैं मिक्सर जार में डाल के इसे अच्छा सा इसका पेस्ट बना लूँगी, जो इसमें थोड़ा सा गुठली टाइप का है वो सब एकदम स्मूथ हो जाए। ये आम पापड़ झटपट से बन के तैयार हो जाता है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना स्मूथ हो गया है। तो इसी तरह से करके सारे पल्प को पीस के और रेडी कर लूँगी। तो सारे पल्प को मैं पीसने के बाद एक बड़े बर्तन में ले ली हूँ। अब चलिए इसे बताती हूँ कि इसे बनाना कैसे है। तो सबसे पहले एक गहरा बर्तन, यदि ज़्यादा पल्प है तो बर्तन थोड़ा सा गहरा लीजिएगा, क्योंकि ये पकने के बाद बहुत ज़्यादा इसका छींटा ऊपर आता है, उछलता है इसमें से। यदि छोटा बर्तन रहेगा तो आपको हो सके तो इसका छींटा पड़ सकता है। और इस तरह से इसे चलाते हुए और इसे गाढ़ा करूँगी, जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है आम का वो सब अच्छा से हट जाना चाहिए और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाना चाहिए। इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। तो अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ 1 कप चीनी। यदि आम ज़्यादा मीठा है तो चीनी थोड़ा कम कर दें और ज़्यादा खट्टा है तो उस अनुसार से आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। और इसे चलाते हुए अच्छे से इसे गाढ़ा करूँगी। चीनी अच्छे से घुल गया है इसमें और जैसे जैसे ये पकना शुरू होगा तो आप देख पा रहे होंगे कि आम के बैटर में थोड़ा सा चमक आ रहा होगा। तो जब ये पक जाएगा पूरा तो आप यही इसी से पहचान पाइएगा कि इस आम को बैटर को पकते हुए हो चुका है, पक गया है, रेडी हो चुका है ये। तो इसमें बहुत ज़्यादा चमक आ जाएगा। गैस के फ्लेम को मीडियम रखिएगा। तो देखिए इसमें अच्छा सा एकदम चमक आ गया है और इस तरह से हटा रही हूँ कलछी से तो वो जल्दी
एक जगह हो भी नहीं रहा है, थोड़ा सा इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि ये पका है कि नहीं इस तरह से। तो देखिए जल्दी एक दूसरे में सट नहीं रहा है, तो समझिए कि ये पक के तैयार है। इसे इतना ही पकाना है, एकदम पका के पूरा सूखा नहीं लेना है। फ्रेंड्स ये ऐसा आम का पापड़ है जिसे आप पंखे के हवा में भी बना सकते हैं और धूप में भी बना सकते हैं। तो अब मैं उसे उतार ली हूँ चूल्हे से और दो बराबर साइज का मैं बर्तन ले ली हूँ और इसे थोड़ा सा घी से ग्रीस कर दी हूँ और इसमें पतला पतला लेयर करके मैं डाल दे रही हूँ सारे पल्प को। आप एक बार में जितना चाहें उतना बना सकते हैं और उसे इस तरह से ही किसी बर्तन में जमा सकते हैं। पतला लेयर डालेंगे तो ये जल्दी सूख के तैयार हो जाएगा और यदि मोटा रहेगा तो थोड़ा सा सूखने में इसमें टाइम लगेगा। तो इस तरह से मैं फैला दी हूँ, फैलाने के बाद इसे धूप में डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो इसे पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स दो दिन के धूप लगाने के बाद हमारा आम पापड़ कुछ इस प्रकार का सूख के तैयार हुआ है। तो जब आप इसे सूखने डालें तो इसके ऊपर से कोई पतला कपड़ा डाल दीजिएगा जिससे कि इस पर मक्खी ना बैठे और इस पर कुछ गर्दा मिट्टी भी ना पड़े। तो इस बात के लिए इसे पतला कपड़ा से ढक के ही इसे सुखाइएगा। तो अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए अच्छे से सूख चुका है, ऊपर से भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और इसमें चक्कू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं आपको कैसे ईजी तरीके से ये निकाल के दिखा रही हूँ। तो बस इस तरह से पकड़ के इसे खींचिए। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा आम पापड़ तैयार हुआ है, एकदम पारदर्शी। और आप इसे चाहे तो 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में रख के और इसे खा सकते हैं। दूसरे को भी निकाल के मैं दिखा दे रही हूँ जिससे कि आपको बनाने में इजी हो। तो देखिए हमारा दोनों आम पापड़ बन के तैयार है और आप चाहें तो इसे पीसेस में भी काट कर सकते हैं और यदि छोटा छोटा बर्तन में आप बनाए हैं तो इसे इस तरह से भी रोल करके रख सकते हैं और इसे खा सकते हैं। इसका चटनी भी बहुत टेस्टी बनता है। आप जब भी समोसा बनाए या कुछ भी बनाए तो इसका चटनी बना के इसका यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।